चतरा सदर थाना क्षेत्र के बरैनी कोलकोले सड़क निर्माण कार्य में लगे बनवार कंस्ट्रक्शन पर हमला कर दो जेसीबी में आगजनी मामले में पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। एसपी राकेश रंजन द्वारा एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने घटना में संलिप्त माओवादी समर्थक सह कुरियर नंदकिशोर लोहरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नक्सली समर्थक की गिरफ्तारी लावालौंग थाना क्षेत्र के कोटारी गांव से हुई है। गिरफ्तार नंदकिशोर लोहरा ने ही माओवादियों को करमाही जंगल में कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो जेसीबी खड़ा होने व पुलिस के गतिविधि की सूचना दी थी। घटना में प्रयुक्त नक्सल समर्थक के मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसडीपीओ ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि सदर थाना क्षेत्र के बरौनी कोलकोले निर्माणाधीन सड़क में करमाही जंगल के पास खड़ी दो जेसीबी वाहन को भाकपा माओवादी संगठन के सदस्यों द्वारा जला दिया गया था। माओवादियों द्वारा धमकी दी गई थी कि बिना लेवी दिए सड़क निर्माण कार्य नहीं करना है। इस मामले में सदर थाना में 13 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुआ था। सीएलए एक्ट के अंतर्गत कुल 35 नामजद नक्सलियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं छापेमारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। टीम द्वारा लगातार अभियुक्तों के विरुद्ध छापामारी अभियान चलाकर माओवादी समर्थकों को लावालौंग थाना क्षेत्र के कटारी गांव से गिरफ्तार किया गया है। 13 दिसंबर 2022 को बरैनी के पास जो सदर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां पे कंस्ट्रक्शन में लगे रोड कंस्ट्रक्शन वाले के दो जेसीबी को माओवादियों के द्वारा जलाया गया था। इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 390/22 दर्ज किया गया था। कुल 35 नामजद अभियुक्त के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें एक नामजद अभियुक्त नंदकिशोर लोहरा जो लावालौंग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये नक्सलियों के कट्टर समर्थक हैं और नक्सलियों को पुलिस की गतिविधि की सूचना देते हैं और उनके सारे साजो सामान की व्यवस्था करते हैं। यह भी नामजद अभियुक्त हैं। इनकी गिरफ्तारी कल लावालौंग थाना क्षेत्र से की गई है और हम लोग इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। उस घटना में भी यह पुलिस की सूचना और नक्सलियों को सपोर्ट किया था और जो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे जो जेसीबी वगैरह उन लोगों का लोकेशन दिया था जिससे कि माओवादी आके घटना को कारित कर सके। चतरा से न्यूज विंग के लिए धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।